हेलो फ्रेंड्स, मैं नीरू जिंदल श्री हरि क्रोचेट नीटिंग चैनल की तरफ से आप सबका स्वागत करती हूँ। देखिए, आज मैं आपके लिए एक नंबर के लड्डू गोपाल जी की ये चोली बनाकर लाई हूँ। देखिए, इसे मैंने इस वीडियो के अंदर स्टेप बाय स्टेप सिखाया है। देखिए, इसे बनाना बहुत ही आसान है। मैंने इसके लिए बेबी वूल का यूज़ किया है और चार नंबर की हुक यूज़ की है। अगर आप 3 mm की हुक से बनाना चाहती हो तो वो भी मैंने इसके अंदर बताया है कि आपने कितने चैन लेनी है। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं हम बनाना। इस चोली को स्टार्ट करने से पहले अगर किसी ने भी हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि जो भी नई वीडियो मैं डालती हूँ उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलिए बनाना स्टार्ट करेंगे। देखिए, एक नंबर की चोली के लिए हमें सबसे पहले 19 चैन बनानी है। दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, दस, ग्यारह, बारह, तेरह, चौदह, पंद्रह, सोलह, सतारह, अठारह और उन्नीस। उन्नीस के बाद हमने दो चैन बनाकर फोर्थ चैन के अंदर हमने डबल क्रोशिया बनाना है। देखिए इस तरह से। अब हमने यहाँ पे सारे 19 डबल क्रोशिया इस चैन के ऊपर बना लेने हैं। देखिए, हमने 19 डबल क्रोशिया बना लिए हैं। अब तीन की चैन डालकर हम इसको टर्न करेंगे। देखिए, अब हमने क्या करना है, फर्स्ट ये हमारा जो तीन की चैन बनाई है ये हमारा एक डबल क्रोशिया हो गया है, हम इसके अंदर नहीं डालेंगे। इस नेक्स्ट डबल क्रोशिया के ऊपर हमने बनाना है, इसके अंदर हमने दो बार डबल क्रोशिया बनाना है। अब हमारे जितने भी यहाँ पर चैन हैं सबके ऊपर हमने दो बार डबल क्रोशिया करेंगे, लास्ट वाले को छोड़कर। लास्ट पर हमने सिंगल करना है। इस तरह से हमने, हमारे पास 19 डबल क्रोशिया हैं, दोनों साइडों से हमारे साइडों पे एक एक बनाने हैं। सेंटर में हमारे 17 डबल क्रोशिया हो जाएंगे, उनके ऊपर हमारे 34 डबल क्रोशिया और दो साइडों पे हमारे पास टोटल 36 डबल क्रोशिया हमारे पास आ जाएंगे। हमें 36 को डिवाइड करना है एक नंबर की चोली के लिए। हमने इसके ऊपर सारी रो को डबल करते हुए चले जाना है। कि अगर आपने 3 mm के डबल कर सॉरी 3 mm के क्रोशिए से बना रहे हो तो आपने इसके अंदर 17 चैन लेकर आपने 17 डबल क्रोशिया बनाने हैं। और उसके ऊपर इसी तरह से हमने करना है, उसके ऊपर हमारे पास 32 डबल क्रोशिया आ जाएंगे। 32 को हमने डिवाइड करना है अगर हम 3 mm से बनाएंगे। इनको हमने सभी को डबल करना है।
की हमारी लास्ट डबल क्रोशिए है जो तीन की चैन होती है, इसके ऊपर हमने सिंगल बनाना है। इस तरह से हमारे पास देखिए, अब हम तीन की चैन डालकर इसको हम टर्न करेंगे। हमने इसको अब यहीं पे डिवाइड करना है, इसकी हमने अब और राउंड नहीं लगाने हैं। देखिए अब सबसे पहले हमने इसके अंदर इसको काउंट करेंगे। देखिए सबसे पहले हम इसको काउंट कर लेंगे, चौंतीस और छत्तीस, 36 डबल क्रोशिया हैं हमारे पास। देखिए सबसे पहले हमने इसके फ्रंट पार्ट में 5 डबल क्रोशिया रखने हैं, 4 और 5। अगर आप तीन नंबर के 3 mm के क्रोशिये से बना रहे हैं तो आपने यहाँ पे 4 रख लेने हैं। देखिए उसके बाद हम यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 8 डबल क्रोशिया हमने बाजू के लिए छोड़ देने हैं इसके अंदर। देखिए इस तरह से 8 डबल क्रोशिया छोड़ने के बाद हम इसके अंदर बैक पोर्शन में 10 डबल क्रोशिया रख लेंगे, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। बैक पोर्शन में भी हमने 10 डबल क्रोशिया कर ली हैं इसके। अब हमने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 डबल क्रोशिया हमने इसके बैक के छोड़ देने हैं। 1, 2, 3, 4, 5 देखिए हमारे पास 5 फ्रंट के बच गए हैं, 1, 2, 3, 4 और ये 5। इस तरह से देखिए, इस तरह से हमारे डिवाइड हो गए हैं। हमारे पास 36 डबल क्रोशिया थे, 5 हमने देखिए इसके फ्रंट में रख दिए, 5 इस साइड, 10 और 10 यहाँ पे, 20 और 16 हमने यहाँ पे इसके बाजू पे रख दिए, 8 8 दोनों साइडों पे छोड़ दिए। देखिए अब हमने इसको यहाँ पे स्टिच करेंगे, स्लिम स्टिच से इसको यहाँ पे के 0 और 1 नंबर की चोली में कोई ज़्यादा फर्क नहीं है, सिर्फ एक एक फ्रंट के बैक, फ्रंट और बैक में एक एक डबल क्रोशिए का फर्क पड़ेगा। देखिए अब हमने यहाँ पे 2 चैन डालकर इसका सिंगल क्रोशिए से 1 राउंड लगाना है बस। इसकी थोड़ी सी लेंथ और बढ़ानी है हमने, सिंगल क्रोशिए से 1 राउंड हम इसका और लगाएंगे। इस तरह से हमने बल लेकर तीनों को इकट्ठा निकाल देना है, बल लेकर तीनों को इकट्ठा निकालना है। इस तरह से हमने इसका 1 राउंड लगा देना है, इससे थोड़ी सी चोली की लंबाई बढ़ जाएगी, ज़्यादा लंबा नहीं करना है हमने इसको। जो हमारे 0 नंबर के गोपाल जी की है उसकी तो हमने यहीं पे छोड़ देनी है, बस उसके 4 डबल क्रोशिया का फर्क पड़ेगा हमें। उसके फ्रंट पे हमने 4 4 डबल क्रोशिया और बैक पे 8 और बाजू पे भी 8 ही छोड़ने हैं और इसको हम यहाँ पे स्टिच कर देंगे इस तरह से और इसको यहाँ से कट कर देंगे। देखिए इस तरह से ये हमारे 1 नंबर के गोपाल जी की चोली बनकर तैयार हो गई है। देखिए इस तरह से इसकी मैं आपको लंबाई भी बता देती हूँ। देखिए ये हमारे
एक नंबर के गोपाल जी की है उसके लिए हमें 1.25 इंच की चोली काफ़ी होती है, 1 से 1.25 इंच की, ये इस तरह से। जो हमारे 0 नंबर के हैं उनके लिए हमें बस 1 इंच काफ़ी है, ये नीचे वाला राउंड लगाने की हमें ज़रूरत नहीं है। इस तरह से एक नंबर के गोपाल जी की चोली बनकर तैयार हो गई है। देखिए, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।